नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सत्वंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। मौसम बदल रहा है, गर्मियां खत्म हो गई, बारिश भी खत्म हो गई और अब सर्दी आने का टाइम आ गया है। ऐसे बदलते हुए मौसम में कभी पसीना आएगा, कभी ठंड लगेगी और बीमार होने के, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खांसी जुकाम के चांसेस बढ़ जाते हैं, कफ एंड कोल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में खुद को ठीक रखने के लिए क्या किया जाए, उसी के बारे में आज बात करेंगे कि आप एक ऐसा चूर्ण बना लें जो आप बस खाना शुरू कर दें और आपको ये परेशानियां होंगी नहीं। वो कौन सा चूर्ण है वो बताने से पहले, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बनाएंगे त्रिकुट चूर्ण। त्रिकुट जैसा कि नाम से ही है, त्रि माने तीन और कुट माने कटु फल। उसके अंदर तीन फल होंगे जो थोड़े से तीखे, थोड़े से कड़वे, थोड़े से कसैले हो सकते हैं और वो आपकी हेल्थ को बूस्ट देंगे। कौन कौन से, वो त्रिकुट में कौन कौन सी चीजें आपने लेनी है? आपने लेनी है काली मिर्च, आपने लेनी है सौंठ और पीपली, पीपली यानी कि लॉन्ग पेपर। ये तीन ही चीजें आपने लेनी है और तीनों चीजें बराबर मात्रा में लेनी है। जैसे 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम पीपली। इसको कैसे बनाना है उसकी बात करेंगे, कैसे खाना है उसकी बात करेंगे, कब खाना है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों ये इतना फायदेमंद है, उन सबकी भी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले इसको बनाने का तरीका देखते हैं। बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। ये त्रिकुट चूर्ण जो है वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, बट मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप घर में बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्योरिटी की गारंटी रहेगी। जितनी चीज प्योर होगी उतना ज्यादा वो फायदा करेगी। तो आपने तीनों चीज को अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद पीसना। अगर आप कूट सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन सबके पास तो खलबट्टा नहीं होता है या ओखली मोसली नहीं होती, तो आप मिक्सी में, ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ग्राइंडर में पीसने से पहले एक चीज का ध्यान रखें कि सौंठ को तोड़ लें, क्योंकि सौंठ जो है बहुत मोटी होती है, ब्लेड ना टूट जाए मिक्सी का। तो उसको पहले तोड़ के उसके टुकड़े कर लें और फिर उसको पहले सौंठ को पीसें। या तो बेस्ट तरीका यह है कि तीनों चीज को अलग अलग पीस लें और फिर एक बार मिला के फिर से पीस लें। पहले अलग अलग पाउडर बना लिया, फिर तीनों को मिला के एक बार पीस लिया और इसको एक अच्छी बारीक छलनी से छान लें। आपका त्रिकुटा चूर्ण जो है वो बनके तैयार हो गया। अब जान लेते हैं इसके एक एक इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज को, कि क्यों ये इतना अच्छा है। ब्लैक पेपर, जिसमें जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां से देखेंगे तो ब्लैक पेपर के A to Z बहुत सारे फायदे उसमें दिए हुए हैं। आपको पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ब्लैक पेपर में एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। इसमें विटामिन अच्छे होती है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसको घी में भिगो के रखा जाए और फिर इसका पाउडर बना के, इसका चूर्ण बना के लिया जाए एक एक चम्मच रोज, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंखों की रोशनी तेज होती है। इसकी तासीर गर्म होती है, टेस्ट तीखा होता है क्योंकि मिर्ची है तो तीखा टेस्ट होगा, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व करने में, रिजोल्व करने में भी काफी मदद करता है। इसके साथ हमने लिया है सौंठ। सौंठ तो सब जानते हैं, जिंजर, जो जिंजर का पाउडर होता है वो डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए अच्छा होता है। वो गैस और एसिडिटी नहीं बनने देता है, वो हजम करने में हल्का होता है। इसका भी जो टेस्ट है वो कटु होता है और गर्म तासीर होती है। जिंजर, कुछ लोग ये पूछेंगे कि क्या जिंजर ले सकते हैं? जिंजर नहीं लेनी है, आपने पाउडर ही लेना है, क्योंकि जब आप इसको पाउडर फॉर्म में लेंगे तो ये आपके वात और कफ दोनों को बैलेंस करेगा। वात और कफ अगर बैलेंस में रहते हैं तो उनसे होने वाली लगभग 50 बीमारियां आपको नहीं होंगी। इसके बाद हमने लिया है लॉन्ग पेपर। लॉन्ग पेपर वो जठराग्नि को सही रखता है, मतलब जठराग्नि अगर हमारी, कौन सी होती है जठराग्नि? डाइजेस्टिव जूसेज जिससे बनते हैं, तो उसको सही मात्रा में वो अग्नि हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। ज्यादा होगी तो अल्सर वगैरह हो जाते हैं, अगर कम होगी तो खाना हजम नहीं होगा। तो जठराग्नि को सही मात्रा में वो प्रोड्यूस हो और सही तरीके से अपने खाने को हजम करें, उसमें ब्लैक पेपर जो है, उसमें लॉन्ग पेपर जो है वो काफी आपकी मदद कर सकती है। वो डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए बहुत अच्छी होती है। जब आप ये त्रिकुट चूर्ण लेंगे तो आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कफ एंड कोल्ड नहीं होगा, आपको सीजनल जो इन्फेक्शन होती हैं वो नहीं होंगी, छोटी मोटी बीमारियां जो आपको आलसी बना के घर में बिठा सकती हैं वो नहीं होंगी। तो ये उन सब चीजों से आपको बचाने के लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक बन जाएगा। लेकिन हाँ, इसको लेने का तरीका अलग है, अलग बीमारी के लिए अलग तरीके से लेना है। इसको कैसे लेना है चलिए उसकी बात कर लेते हैं। आप इस चूर्ण को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, आपने सिर्फ, इफ यू आर एन एडल्ट, अगर मतलब आप एडल्ट हैं, 18 साल से बड़े हैं, तो दो चुटकी यानी कि आधा ग्राम एक बार में लेना है।
एक बार में सिर्फ आधा ग्राम, क्योंकि इनकी सब चीजों की गर्म तासीर होती है और गर्म तासीर की चीजें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। आधा आधा ग्राम आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको गले से ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कफ, कोल्ड, सिर दर्द, कान दर्द, नाक दर्द या माइग्रेन वगैरह है, तो आपको इसे हनी के साथ लेना चाहिए। खांसी जुकाम में हनी के साथ अगर इसको लेंगे तो बहुत फायदा होगा। 2 चुटकी आपने 1 चम्मच हनी में अच्छे से मिक्स कर लिया और उसको लिक करना है। एक बार में सारा नहीं खाना, हल्के धीरे धीरे लिक करना है, तो गले से ऊपर की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको वात वात का प्रॉब्लम है, मतलब आपकी बॉडी एक है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है या मसल मस्कुलर पेन है, तो आपको इसे लेना चाहिए घी के साथ, गाय के घी के साथ। गाय का घी अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल घी के साथ भी इसको ले सकते हैं। तरीका वही है कि घी में मिक्स किया और इसको थोड़ा थोड़ा करके लिक कर लिया। ये इसका लेने का तरीका है। अब प्रिकॉशंस क्या लेनी है, क्योंकि तीनों चीजें गर्म है। एक तो आपने आधा ग्राम से ज्यादा एक बार नहीं लेना, दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं लेना, और जिन लोगों को पित्त का प्रॉब्लम है, पित्त का मतलब पेट में अल्सर है, पेट में डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा है, लूज मोशन रहते हैं, डायरिया रहता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती, तो उनको ये नहीं लेना है। इससे उनकी ये परेशानी बढ़ सकती है, बिना डॉक्टर के पूछे बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको नहीं लेना है, जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा बनती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, उनको नहीं लेना है। तो कुछ एक प्रिकॉशंस के साथ अगर इन देसी चीजों को लेते हैं, आयुर्वेदिक चीजों को लेते हैं, तो ये बहुत फायदा करती हैं। ये एक त्रिकुट चूर्ण जो मैंने आपको बताया है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस भी ज्यादा है, त्योहार भी चल रहे हैं, त्योहारों में खा पी के जो तला हुआ ये वो खा के डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उन सब चीजों से ये बचा सकते हैं। अब इसको लेने का परफेक्ट टाइम है। आप इसको अब से लेके, यानी के अक्टूबर एंड से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आराम से इसको ले सकते हैं। गर्मियों में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत गर्म होती है। तो ये था त्रिकुट चूर्ण, कैसे बनाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, उस सब की जानकारी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें और हेल्दी रहें हमेशा।